गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी बच्चे। हाँ चलिए आज हम लोग जो है पढ़ना चाहेंगे फोर्थ सर, रुचिरा आज भी पढ़ेंगे। रुचिरा का फोर्थ लेसन, ठीक है। चलिए आज देखिए चतुर्था पाठ विद्यालय, चतुर्थ पाठ विद्यालय का है। सर कुछ करने वाला चल पे लाइट पता जैसे तो ऐसे धरा जैसे ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्र का शिक्षका शिक्षका च सन्ति, यहाँ पर छात्र शिक्षक और शिक्षिका हैं, ठीक है। यह विद्यालय है, यहाँ पर छात्र शिक्षक शिक्षिका है। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, चतुर्था पाठा चतुर्थ पाठ आप जो पढ़ रहे हैं इस समय, मिला कह रहे कि ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह संगणक यंत्र का मतलब होता है कंप्यूटर। अंग्रेजी में आप क्या जानते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर को ही हम संस्कृत में बोलते हैं संगणक यंत्र, ठीक है। संगणक यानी कि गणना करने वाला। एतानि संगणक यंत्राणि संति, ये जो है जो बच्चे आप दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं ये और फोर्थ चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं ना, और ये जो है कंप्यूटर के जो है फोर्थ यानी चौथा पाठ आप पढ़ रहे हैं, चतुर्था पाठ, ठीक है। कुछ बच्चों के बुक में हो सकता है कि पुरानी बुक होंगे तो उनके बुक में ये लेसन नहीं होगा, तो उसके लिए आप जो परेशान ना होएं, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी रिटेन जाएगा लिखने के लिए आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर आपके बुक में ये चैप्टर नहीं है तो। क्योंकि कुछ चैप्टर जो है बदले हुए हैं तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये हमारे बुक में नहीं है, अगर पुरानी बुक होगी तो, नहीं तो अगर नया कोई बुक आपके पास होगा तो उसमें ज़रूर जो है ये चीज़ें जो है मिलेंगी, ठीक है। तो आप देखिए विद्यालय जो चैप्टर है इसमें कह रहा है कि ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ पर छात्र हैं शिक्षिका है और शिक्षक लोग हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, और ये सभी जो है संगणक यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, और हम लोग यहाँ पर खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। रीचा नाम की एक लड़की तभी जो है कुछ पूछती है कि तौ नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है।
तभी जो है श्रेया नाम की सॉरी प्रणव प्रणव नाम का एक लड़का जो है कहता है कि मम नामः प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है, तौ नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। रिचा कहती है कि मम नामः रिचा, मेरा नाम रिचा है, त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कह रहा है कि अहम अत्र एव पठामि, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ, मैं यहीं पर ही पढ़ता हूँ। रिचा कह रही कि अहम अपि अत्र एवं पठामि, मैं भी तो यहीं पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रेश्व, और इस प्रकार से हम दोनों तो मित्र हो गए, यानी हम भी यहीं पढ़ते हैं, तुम भी यहीं पढ़ते हो, तो दोनों लोग क्या हो गए, मित्र हो गए। ठीक है। शिक्षिका अब जो है प्रश्न करती है कि छात्रा यूयम किम कुरुथा, छात्र आप सभी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, छात्र लोग क्या उत्तर देते हैं, आचार्ये वयम गच्छामा, आचार्य हम सभी लोग जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है कि यूयम कुत्र गच्छत, यानी आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी छात्रा कह रहे हैं कि वयम सभागारम गच्छामः, यानी हम सभी लोग सभागार में जा रहे हैं। सभागार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपके यहाँ है करकट वाला बहुत बड़ा सा, क्या कहते हैं, कौन सा जिसमें प्रेयर होता है कभी कभी, आप समझ गए होंगे, है ना, जो प्रोग्राम होता है जिसमें एमपी हाल कहते हैं, हाँ जी, उसी एमपी हाल को सभागार कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि वयम सभागारम गच्छामः, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका कहते कि युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, यानी तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं। छात्र कहते हैं कि अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम लोगों की पुस्तकें यही हैं। तभी शिक्षक पूछता है कि छात्रौ युवाम किम कुरुथ, दो छात्रों से पूछता है कि ए छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी दो छात्र उत्तर देते हैं कि आचार्य आवाम श्लोक गयावः, यानी आचार्य हम दोनों लोग श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक कहता है कि शोभनम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों दोनों छात्र कह रहे हैं कि आवाम लिखाव पठाव गयाव, यानी सब करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम लोग लिखते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग गाते भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चित्राण यपि रचयाव, यानी चित्रों को भी बनाते हैं। शिक्षक कह रहे कि बहु शोभनम, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब किसी कोई दिक्कत बताएं, चलिए अभी पूछ लेते हैं, किसी कोई दिक्कत आई होगी तो आप बता सकते हैं इस लेसन में, कहीं कोई पैसेज में, कोई लाइन में, तो आप बताइए। सर उद्यान का मतलब क्या होता है? उद्यान का यस सर उद्यान का मतलब, उद्यान का मतलब उपवन बागीचा। ओके सर, क्या पूछ रहे हैं सर, कैन यू एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन,
तेज बोलो बाबू सर, फिर से बोल रही है। अच्छा पुनः पढ़ा दें, ठीक है देख लीजिए एक बार पुनः। सर फिर से पढ़ा लें। हाँ जी हाँ जी, देख लीजिए। यस सर। ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है, अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ पर छात्र शिक्षक शिक्षिका हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यानी ये कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारा विद्यालय, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, एक बागीचा है या उपवन है हम कह सकते हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में क्या है, बहुत सारे पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के हम खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तभी जो है ऋषा नाम की एक बच्ची जो है पूछती है कि एक बच्चे से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तभी प्रणव नाम का लड़का जो है कहता है कि मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है, तो नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तभी ऋचा कहती है कि मम नामा ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कह रहा है कि अहम अत्र एव पठामी, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा भी कहती है कि अहम अपि अत्र एव पठामी, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आमाम मित्रेस्व, इस प्रकार से हम तो आपस में क्या हुए, मित्र हुए, दोस्त हुए। तभी शिक्षिका बच्चों से प्रश्न करती है कि छात्रा इवयम किम कुरुत, यानी छात्र लोग आप सभी लोग क्या कर रहे हैं। छात्रा उत्तर देते हैं कि आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य हम लोग जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छता, यानी कि तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो। छात्रा उत्तर देते हैं कि वयम सभागारम गच्छामः, यानी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सभागार में जा रहे हैं। यानी कि सभागार का मतलब हमने बताया जो आपका एमपी हॉल है, कहाँ है। तभी छात्रा सभी कहते हैं कि अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम लोगों की पुस्तकें यही हैं, छात्रों दो छात्रों से पूछते हैं कि व्याम किम कुरुत, यानी तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों छात्र उत्तर देते हैं कि आचार्य आवाम श्लोक गायाव, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। कह रहे हैं कि शोभनम अच्छी बात है, श्लोक गाना तो बहुत ही अच्छी बात है। किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिखते हो। छात्रों दो छात्रों बोल रहे हैं कि आवाम लिखावा पठावा गयावा, यानी हम लोग लिखते भी हैं, गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, चित्रों को बनाते भी हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि बहु शोभनम, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण केवल करना है आपको। अहम अवाम वयम माम आम अस्मान मया अभ्यम मम आवयो अस्माकम त्वम युवामि युवम त्वाम युवामि युष्मान त्वाम युवामि युष्माकम। ठीक है, उसके बाद निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। अब वो बच्चे ध्यान देंगे जिनके कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, या तो इस अभ्यास तालिका को नहीं कर पाए होंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जो पढ़ चुके हैं
वो भी जो है ध्यान ठीक है। लिखा है कि निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरु, निर्देश के अनुसार आप परिवर्तन इसमें कीजिए। जैसे लिखा है कि अहम पठामि, इसको बहुवचन में बनाना है, तो बहुवचन में बनाना है तो उत्तम पुरुष में ही होगा, लेकिन बहुवचन में हो जाएगा कर्ता और क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी, तो क्या बनेगा? अहम वयम पठाम, वयम पठामि, पठाव पठाम, क्या हो जाएगा? ठीक है, वयम पठाम, वयम पठाम। अजय गुप्ता, कीर्ति मिश्रा, समझ में आ रहा है? चलिए फिर क, यहाँ दिया है अहम नृत्यामि, अहम अहम नृत्यामि, बहुवचन बनाना है, वयम नृत्यामि, वयम नृत्यामि, वयम नृत्यामि, नृत्यामि। और बुलबुल आ रहा है थोड़ा सा, तुम लोगों को शांत कर और उसके बाद बताते हैं। अब देखिए अहम नृत्यामि शब्द आया है, यानी इसको बहुवचन में बनाना है, तो अहम आवाम वयम हो जाएगा इसका, और नृत्यामि नृत्यावह नृत्यामा हो जाएगा, वयम नृत्यामः, ठीक है, क्या हो जाएगा? वयम नृत्यामः। फिर वैसे ही त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम युवाम युयम, बहुवचन में क्या हो जाएगा? अनुसिका कुशवाहा, त्वम पठसिका, युयम पठत, युयम पठत, ठीक है। उसके बाद युवाम किड़थ, युवाम किड़थ, इसको एक वचन में बनाना है, तो क्या हो जाएगा? इवाम का त्वम, त्वम किड़सी, त्वम किड़सी, ठीक है। वैसे घ है अवाम गच्छावा, अवाम गच्छामा को बहुवचन में बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बयम गच्छामा, बयम गच्छामा। वैसे ही अंग है कि अस्माकम पुस्तकानी, इसको एक वचन में बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मम पुस्तकम, मम पुस्तकम। वैसे ही तव गृहम, यानी छ नंबर है, इसको द्विवचन में बनाना है, तो तव युवयोः गृहे, युवयोः गृहे। अब जो है दूसरा जो प्रश्न है, कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, यानी कोष्टक से उचित शब्दों को चुन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जैसे लिखा है वयम और अहम, सबसे पहले इसको हम जानने के लिए देखेंगे कि क्रिया किस जो है वचन में है, तो क्रिया जो है उत्तम पुरुष के एक वचन में है, तो कर्ता भी जो है उत्तम पुरुष का एक वचन होगा, तो क्या बन जाएगा? अहम पठामि, ठीक है, अहम पठामि। वैसे ही गच्छथ दिया है, यानी कि ये द्विवचन में है, तो कर्ता भी हमारा द्विवचन में होगा, तो क्या बनेगा? एवाम गच्छथ। वैसे ही ग में एतत मम पुस्तकम, एतत मम पुस्तकम। घ है युष्माकं क्रीडन्तानि, युष्माकं क्रीडन्तानि, निधि। आवाज सुनाई दे रही है? निधि 9496। क्या हो रहा है? बोलो, अभी जो सामने दिख रहा है जो चित्र, ये क्या निधि का है, किसी दूसरे बच्चे का है? तुम्हारा ही है?
तुम्हारी बात कर रहे हैं, जो कलम मुंह में लगाकर जो है खेल रहे हो। 9496 एडमिशन नंबर 9496 निधि निखिल है, ध्यान दो। निखिल तुम्हारी बात हो रही थी, चलो आगे हम चलते हैं। तीसरे का ग, एतत मम पुस्तकम, एतत मम पुस्तकम। घ है युष्माकम क्रीडकानि, युष्माकम क्रीडकानि। अंग आवाम छात्रे स्व, आवाम छात्रे स्व। च है एषा तव लेखनी, एषा तव लेखनी। अब चौथे नंबर का प्रश्न है क्रियापदी वाक्यानि पूर्यत, क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूर्ण करिए। आप पुस्तक में दिए गए इसको चुनकर आपको लिखना है। जैसी कर्ता होगी उसी के अनुसार क्रिया भी होगी, यानी त्वम पठसी, यहाँ हो जाएगा त्वम पठसी। आवाम गच्छावा, यूयम पश्यथ, यूयम पश्यथ। अहम लिखामि, इवाम क्रीडथ, इवाम क्रीडथ। वयम धवावा, वयम धवामा। ठीक है, पांचवें नंबर का प्रश्न है कि उचित पदई वाक्य निर्माणम करुत, यानी उचित पदों के द्वारा वाक्य निर्माण कीजिए। दिया है कि एतत मम गृहम, एतत मम गृहम। दूसरा है आवयो मैत्री दृढ़ा, आवयो मैत्री दृढ़ा। तीसरा यानी ग है एष इवयो विद्यालय, एष इवयो विद्यालय। घ है एषा तव अध्यापिका, एषा तव अध्यापिका। अंग है भारतम अस्माकम देशः, भारतम अस्माकम देशः। वैसे ही च है एतानि युष्माकम पुस्तकानि, एतानि युष्माकम पुस्तकानि। अब छठवां प्रश्न है कि वचन पद, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन में लिखना है। जैसे दिया है सह, सह का क्या हो जाएगा, सह तौ ते, बहुवचन में हो जाएगा ते। ठीक है, वैसे ही सा ता है, ता का क्या हो जाएगा बहुवचन, एक वचन में हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा इसका सा ते ता, तो सा हो जाएगा यहां पर। ग है एता दिया है, तो इसका हो जाएगा एषा, एता का एषा। त्वम का हो जाएगा यूयम, अस्माकम का हो जाएगा मम, अस्माकम का मम। तव का युष्माकम, तव का युष्माकम। एतानि, एतानि का हो जाएगा एतत, एतानि का एतत। उसके बाद वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, वार्तालाप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सातवां प्रश्न है, शकुंतला कह रही है कि
प्रियवदे प्रियवदे अहम नृत्यामि त्वं किं करोसि। अहम नृत्यामि त्वं किं करोसि। शकुंतले अहम गायामि त्वं किं त्वं न गायस् किं त्वं न गायस्। शकुंतला कह रही है क्या प्रियमते अहम न गायामि अहम तू नृत्यामि। उसके बाद प्रियवदा कह रही है क्या शकुंतले किम तो माता नृत्यति क्या तुम्हारी माँ नाचती है। शकुंतला कह रही कि आम हाँ मम माता अपि नृत्यति यानी शकुंतला कहती है कि मेरी माँ भी नाचती है। प्रियवदा कह रही कि साधु आवाम चलावा साधु मने यहाँ अच्छा है चलो तब तो हम भी चलेंगे हम भी चलते हैं। अब इसमें ख है कि उपयुक्तेन अर्थेन सहयोजत यानी उचित पदों शब्दों के द्वारा उचित अर्थ के द्वारा इसको मिलान करना है। सा क्या है वह स्त्रीलिंग का रूप है तो इसमें आप एक नंबर डाल देंगे इसके सामने। तानी तानी जो का मतलब वे होता है ये नपुंसक लिंग का जो है रूप है तानी तत्ते तानी। अस्माकम अस्माकम का मतलब होता है हमारा। यूयम यूयम का मतलब होता है तुम सब। आवाम आवाम का मतलब होता है हम दोनों। मम मम का मतलब मेरा। इवयोह इवयोह का मतलब होता है तुम दोनों का। और तव तव का मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है क्लियर है। समझ में आ गया होगा किसी को कोई दिक्कत। नो सर अजय गुप्ता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर 7 वाला प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ देख लीजिए प्रियंबता करेगी शकुंतले त्वम किम करोसी शकुंतला तुम क्या करती हो। शकुंतला पुनः कहती है कि प्रियंबते अहम नृत्यामि त्वम किम करोसी मैं तो नाचती हूँ तुम क्या करती हो। शकुंतले कहती है कि अहम गायामि किम त्वम न गायसी मैं तो गा रही हूँ क्या तुम नहीं गाती हो। फिर शकुंतला कहती है कि प्रियवदे अहम न गायामि मैं नहीं गाती हूँ। अहम तू नृत्यामि मैं तो नाचती हूँ। प्रियवदा कह रही है कि शकुंतले किम तव माता नृत्यति शकुंतले क्या तुम्हारी माता नाचती है। शकुंतला कह रही है कि आम मम माता अपि नृत्यति हाँ मेरी माँ नाचती है। प्रियवदा करे कि साधु यानी अच्छा है आवाम चलावा यानी कि हम सब लोग चलेंगे या चलते हैं। ठीक है थैंक यू सर। यस सर समझ में आ गया सेवन का खो बता दीजिए। हाँ जी सेवन का खो सेवन का खो हाँ देख लीजिए सा का वह हो जाएगा स्त्रीलिंग वाला वह। फिर तानी शब्द है तानी का वे नपुंसक वाला हो जाएगा। फिर अस्माकम अस्माकम मतलब हमारा हाँ सर
यूएम, यूएम मतलब तुम सब, आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, मम, मम माने मेरा, इवयो तुम दोनों का, और तव, तव का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए एक एक दो करके मैं पूछ लेता हूँ। अब बताने का प्रयास करेगी शिवांगी सिंह। चलिए इस लेसन को बताइए। ओके सर। एशा विद्यालय यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षिका, यहाँ पर छात्र और शिक्षक और शिक्षिका भी रहते हैं। एशा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ पर कंप्यूटर है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य, सर इसका अस्माकं विद्यालयस्य, ये हमारा ये हमारे विद्यालय का उद्यान है। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पर फूल, बागीचे में फूल खिले हुए हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ पर खेलते और पढ़ते भी हैं। ऋचा, तव नाम किम्? ऋचा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव, मम नाम प्रणव। तुम नाम किम्? मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? मम ऋचा, मम नाम ऋचा। तुम कुत्र पठसी? मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव, अहम अत्र एवं एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि, इदानीम आवाम मित्रे स्व, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ, हम लोग अब से मित्र हैं। शिक्षिका, छात्रा, यूयम किम कुरुता? शिक्षिका कहती है, छात्र तुम क्या कर रहे हो? छात्रा, आचार्य, वयम गच्छामा, छात्र कहते हैं, आचार्य हम जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छता? तुम कहाँ जा रहे हो? छात्रा कहते हैं, वयम सभागारम गच्छामा, हम लोग सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम्हारे पुस्तक कहाँ है? छात्रा, अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारे पुस्तक यही है। शिक्षक, छात्र, युवाम किम कुरुता? सर यहाँ पर दो बालकों से पूछ रहे हैं वो। छात्र, युवाम किम कुरुता, तुम क्या कर रहे हो? छात्र, आचार्य आवाम श्लोकम गायाव, आचार्य हम लोग श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, शोभनम किम युवाम श्लोक न लिखत? अच्छी बात है, क्या तुम लोग श्लोक लिख नहीं रहे हो? छात्र, आवाम लिखाव पठाव गायाव चित्राणि अपि रचयाव, हम लोग लिखे हैं, पढ़े हैं, गाए हैं और उसका चित्र भी बनाए हैं। शिक्षक, बहुत बहुत शोभनम, बहुत अच्छी बात है। हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। बनाते हैं, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। अब किसी को किसी प्रकार की संदेह नहीं ना इसमें? नो सर। इस लेसन में चलिए अच्छी बात है। अब अगला लेसन अगले दिन, ठीक है? सर, थैंक यू सर। और किसी को थैंक यू सर, थैंक यू सर, नो सर, थैंक यू सर, नो सर, कुछ नहीं पूछना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।